हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम सीएमआर 2017 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएमआर 2017 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनिंग के फील्ड में, और माइनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि डीजीएमएस, माइनिंग सरदार, ओवरमैन और इवन की मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे एग्जाम्स के लिए भी। इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन इस एक सिंगल वीडियो या फिर यूँ कहें कि इसे एक मास्टर वीडियो की मदद से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि बोलता है शाफ्ट मोर देन डैश डीप शैल बी प्रोवाइडेड विद मैकेनिकल मींस टू असेंड एंड डिसेंड। इस क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है अगर किसी शाफ्ट की डेप्थ कितने मीटर होने पर, किसी शाफ्ट की डेप्थ कितने मीटर से ज्यादा होने पर उसकी जो शाफ्ट है उसमें आपको मैकेनिकल मींस प्रोवाइड कराना है एसेंड और डिसेंड करने के लिए, मतलब कि शाफ्ट के अंदर जाने के लिए और शाफ्ट से बाहर आने के लिए आपको कोई भी ऐसा मैकेनिकल मतलब मशीनरी वाली चीज प्रोवाइड करानी ताकि लोग बाग आ जा सके। ठीक है, तो कितने मीटर से ज्यादा डेप्थ होने पर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं सभी के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर्स। ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ होने पर आपको मैकेनिकल मींस प्रोवाइड कराने होंगे, मतलब कोई मशीनरी प्रोवाइड करानी होगी अंदर और बाहर जाने के लिए शाफ्ट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि पूछता है एवरी शाफ्ट इंक्लाइन और अदर आउटलेट ऑफ द माइंड शैल बी एग्जामिन्ड बाय एन आवर मैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी। ठीक है, बोल रहा है जो भी शाफ्ट है इंक्लाइन है या फिर कोई भी आउटलेट है उसका एग्जामिनेशन किसी ओवरमैन या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने दिन में एक बार होना चाहिए, है ना, कितने दिन में एक बार होना चाहिए, तो ये आपको बताना है ना। तो इसमें क्या आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी 14 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 7 डेज। ठीक है, तो 7 दिन में कम से कम एक बार ओवरमैन और या फिर जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है उनको शाफ्ट इंक्लाइन या फिर जो भी आउटलेट है उस पर्टिकुलर माइंस का उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी में कि अगर मैकेनाइज्ड आउटलेट है, कैसा आउटलेट, मैकेनाइज्ड मतलब मशीनरी वाला आउटलेट है, मैकेनाइज्ड आउटलेट है, तो उसका इंस्पेक्शन कितने दिन में एक बार होना चाहिए। ठीक है, तो उसका इंस्पेक्शन भी 7 दिन में एक बार, वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज में एक बार होना चाहिए इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये भी आप आंसर याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछता है सीएमआर 2017 रिक्वायर्स प्रोविजन ऑफ मैन राइडिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइन इफ द मीन्स ऑफ एक्सेस और रिग्रेस इन इंक्लाइन इज मोर देन। इंक्लाइन में अगर आपका जो आने जाने का जो रास्ता है इंक्लाइन में उसकी डिस्टेंस कितने से ज्यादा होने पर, कितने पर होने पर, कितने से ज्यादा होने पर सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंग माइन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शंस क्या देता है, 2 किलोमीटर से ज्यादा होने पर या फिर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होने पर, 1.5 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर से ज्यादा होने पर या फिर 1 किलोमीटर से ज्यादा होने पर प्लस उसका जो स्टीपनेस होना चाहिए, जो उसकी ढलान होनी चाहिए 1:6 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इंक्लिनेशन के बारे में तो हमें नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर से ज्यादा होने पर आपको मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब आगे पूछता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन टू आउटलेट्स ऑफ अ माइंड शैल नॉट बी लेस देन। जो माइंस में देखिए, एक तो आपको बोलता है क्या कि आपको माइंस में 2 आउटलेट्स होने चाहिए। ठीक है, 2 आउटलेट्स मतलब बाहर आने के 2 रास्ते होने चाहिए, मान लीजिए 2 शाफ्ट आपने बना दिए आने जाने के। ठीक है, अब इन दोनों शाफ्ट के बीच का सरफेस, ये मान लीजिए सरफेस है आपका, ये आपका सरफेस हो गया। अब सरफेस पे इन दोनों आउटलेट्स के बीच की जो दूरी होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी रख दें लेकिन इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए, तो वो दूरी पूछ रहा है, तो आपको ये दूरी बतानी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए 10.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 13.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15.5 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी
20.5 meters. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13.5 मीटर. कम से कम 13.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी दूरी दो आउटलेट्स के बीच की आप रख सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि ये बोलता है कि साइज ऑफ वॉकेबल पासेज बिलो ग्राउंड बिटवीन टू शाफ्ट्स और इंक्लाइंस शैल नॉट बी लेस देन. वॉकेबल पासेज की बात कर रहा है ना, कि जो वॉकेबल पासेज बनाया जाएगा अंडरग्राउंड में, दो शाफ्ट्स या फिर दो इंक्लाइंस को जोड़ने के लिए जो पैसेज बनाया जाएगा उसका साइज कितना होना चाहिए. ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ. ये मान लीजिए आपके दो शाफ्ट हो गए, ये आपके दो शाफ्ट हो गए, है ना. अब इन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड में आप क्या बनाएंगे? एक रास्ता बनाएंगे, है ना, एक रास्ता बनाएंगे दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड में. तो ये जो रास्ता होना चाहिए, ये जो रास्ता होना चाहिए, ये वाला रास्ता यहां से लेके यहां तक का ये जो रास्ता बनाया है आपने, ये जो रास्ता होना चाहिए इसका साइज, मतलब कि इसकी गैलरी की हाइट कितनी होनी चाहिए और इसकी गैलरी की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है. ठीक है, ये हमें रेगुलेशन में दिया हुआ है. तो ये दोनों शाफ्ट को जोड़ रहा है ये वॉकेबल पासेज, तो इसकी गैलरी की हाइट और विड्थ आपको बेसिकली इसमें बताना है, उससे कम गैलरी की हाइट और विड्थ नहीं होती है. ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1.8 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.2 मीटर विड्थ होनी चाहिए, या फिर 1.8 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.5 मीटर विड्थ होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.5 मीटर विड्थ होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.8 मीटर विड्थ होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि गैलरी की जो हाइट है, आपकी जो गैलरी है ना, ये मान लीजिए गैलरी है, तो इस गैलरी की हाइट कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप रख सकते हैं अपने हिसाब से 1.8 मीटर, ज्यादा से ज्यादा आप 3 मीटर रख सकते हैं ना, ये भी क्वेश्चन कुछ लोग सोच रहे होंगे. और जो इसकी विड्थ है वो कितनी आप कम से कम रखिए, 1.5 मीटर इसकी विड्थ रखेंगे आप. ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लीजिए. चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ये पूछता है विच कोल फील्ड इन इंडिया हैज माइंस वेयर द टू आउटलेट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेम मैनेजर. इंडिया में ऐसी कौन सी कोल फील्ड है, लीजिए जीके का भी क्वेश्चन आ गया है एक अच्छा सा. इंडिया में ऐसी कौन सी कोल फील्ड है जिसमें माइंस, ऐसी माइंस हैं जहां पर दो आउटलेट्स जो हैं, मतलब कि एक माइंस में दो आउटलेट्स हो गए, दो शाफ्ट हो गए बाहर आने जाने के लिए, अंदर आने जाने के लिए, है ना. तो वो दोनों शाफ्ट एक ही मैनेजर के अंडर में नहीं है. जैसे अब एक माइंस का एक ही मैनेजर है, लेकिन यहाँ पे इस शाफ्ट का अलग, माइंस एक ही है लेकिन शाफ्ट दो ठो हैं, तो भाई दोनों शाफ्ट का अलग मैनेजर, एक में एक मैनेजर है, एक में दूसरा मैनेजर है. तो ये ऐसी कौन सी माइंस कोल फील्ड है जहां पे इस टाइप की माइंस आपको देखने को मिल सकती हैं. तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रानीगंज कोल फील्ड, ऑप्शन नंबर बी झरिया कोल फील्ड, ऑप्शन नंबर सी सिंगरेनी कोल फील्ड एंड ऑप्शन नंबर डी महानदी कोल फील्ड. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके बता सकते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी झरिया कोल फील्ड. ठीक है, तो याद रखिएगा, बढ़िया सा जीके का क्वेश्चन भी आ गया यहां से निकल के. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ स्टेप्स एंड लैडर्स प्रोवाइडेड इन अ शाफ्ट. अब देखिए, अब आपका शाफ्ट है, शाफ्ट में आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, शाफ्ट के अंदर आप प्रोवाइड करा रहे हैं सीढ़ियां लगा दे रहे हैं. ठीक है, तो इन सीढ़ियों का जो इंक्लिनेशन होगा, भाई जब भी सीढ़ी लगाओगे तो एक इंक्लिनेशन होगा, है ना, इसमें कुछ ना कुछ इंक्लाइन होगा, मतलब झुका हुआ पोर्शन, है ना. और इंक्लिनेशन को हम किस में मेजर करते हैं, हम डिग्री में मेजर करते हैं कि कितने डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए. तो वही बोल रहा है कि शाफ्ट में जो स्टेप्स और लैडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लैडर्स स्टेप्स और लैडर्स का मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना हो सकता है ना. देखिए, जैसे जैसे आप सीढ़ी को, मान लीजिए इस दीवाल है, इस दीवाल में सीढ़ी आप लगा रहे हो, तो अगर ऐसे लगाए सीढ़ी तो ये इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये ज्यादा है ना, क्या सॉरी कम है. ठीक, अब अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे लगा दोगे, 90 डिग्री के एंगल पे लगा दोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, भाई सीढ़ी एकदम खड़ी हो गई, है ना. या फिर आप कैसे करो, आप मतलब वही है कि आप कितनी खड़ी चढ़ाई दे सकते हो. ठीक है, ये चढ़ाई ठीक है, इसमें चढ़ने में लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे, एंगल बड़ा करते जाओगे, है ना, तो उस केस में क्या होगा, खड़ाई जो चढ़ाई है उतनी ही ज्यादा खड़ी होती जाएगी चढ़ाई, है ना. तो इस चढ़ाई में आप कितने एंगल दे सकते, कितना एंगल दे सकते हैं मैक्सिमम, है ना, कितने एंगल तक अपन जा सकते हैं. तो अपन कितने एंगल तक जा सकते हैं, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 80 डिग्री. ठीक है,
तो मैक्सिमम आप कितना इंक्लिनेशन दे सकते हैं, 80 डिग्री का इंक्लिनेशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा का मत दीजिएगा। मतलब कि 81, 82, 83 ऐसे नहीं जाना है अपन को, 80 डिग्री तक अपन इंक्लिनेशन दे सकते हैं, उसके नीचे आप कितना भी रख लीजिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, आई होप के समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये बोलता है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम इंटरवल्स ऑफ, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम इंटरवल्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड ऑन द लैडर्स और स्टेप्स इन द शाफ्ट। जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा दें, अब देखो सीढ़ियों की बात जब की हो तो भैया जब अगर शाफ्ट ज्यादा डेप्थ में होगा और सीढ़ी से जा रहा है कोई, तो आदमी तो थकेगा, है ना, आदमी तो थकेगा भाई, मैहर की चढ़ाई एकदम हो जाएगी उसके लिए, है ना, वह माता वैष्णो देवी जैसी। तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते, तो प्लेटफॉर्म्स के बीच का इंटरवल्स क्या होना चाहिए। मतलब ये सीढ़ियां लगी हुई हैं, अब हर सीढ़ी में आप क्या कर दो, हर कुछ दूरी पे प्लेटफॉर्म्स बना दो कि लोग बाग खड़े होकर थोड़ा रेस्ट कर सके। अब इन दो प्लेटफॉर्म्स के बीच की जो दूरी है, ये दूरी है, ये मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, है ना, कम से कम कितना भी रख लीजिए, आपको लगता है कि हाँ मेरे को बीच में एक और होना चाहिए, कम दूरी पर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितनी दूरी पे। ये नहीं कि आप सीधे एकदम एक ठो नीचे प्लेटफॉर्म में तो एक ठो ऊपर लगा दिए, तो भैया क्या फायदा, बेचारे को मेहनत तो पड़ी नहीं रही है, रेस्ट करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए दो प्लेटफॉर्म के बीच में, तो ये आपको बताना है। तो 9 मीटर होना चाहिए, या फिर 10 मीटर होना चाहिए, या फिर 20 मीटर होना चाहिए, या फिर 15 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए दो प्लेटफॉर्म के बीच में, ठीक है। तो आपको ये चीज बतानी है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है कि 9 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए दो प्लेटफॉर्म के बीच में, ठीक है, ये आप याद में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ परमानेंट लाइनिंग फ्रॉम द शाफ्ट बॉटम एट ऑल टाइम्स व्हाइल शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय पे जो परमानेंट लाइनिंग की जा रही है, तो उस परमानेंट लाइनिंग का शाफ्ट बॉटम से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम आप कितना भी रख लो, लेकिन मैक्सिमम कितनी दूरी तक आप रख सकते हो। मतलब कि इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए शाफ्ट सिंकिंग चल रही है, मतलब शाफ्ट बन रहा है अभी, है ना, शाफ्ट बन रहा है। अब शाफ्ट में आप क्या प्रोवाइड करते हो, दीवालों को बढ़िया ईंटों से, अपन कंक्रीट से, मेजनरी से, या फिर किसी भी परमानेंट लाइनिंग से अपन सपोर्ट देते हैं पूरा किनारे किनारे शाफ्ट के, है ना, शाफ्ट के किनारे किनारे ऐसे अपन सपोर्ट देते हैं, चाहे आप प्लास्टर करो कुछ भी करो सपोर्ट दो, है ना। तो ये जो सपोर्ट दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप पहुंच गए हो शाफ्ट बनाते बनाते, तो ये परमानेंट लाइनिंग और शाफ्ट, परमानेंट लाइनिंग और शाफ्ट बॉटम के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आप कितना भी रख लो, लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला आप नीचे नीचे बनाते चले गए, लाइनिंग करी नहीं हो, क्या पता किसी दिन धंस जाए ये चीज, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग जो है परमानेंट लाइनिंग भी साथ साथ बनाते जाते हैं, भैया ये चीज धंसने ना पाए नीचे, ठीक है। तो ये चीज आप याद में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये बोलता है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ परमानेंट लैगिंग फ्रॉम द शाफ्ट बॉटम प्रोवाइडेड विद सब्सटेंशियल लैगिंग ऑफ आयरन और स्टील व्हाइल शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय पर जो आप परमानेंट लैगिंग प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो परमानेंट लैगिंग का शाफ्ट बॉटम से कितनी दूरी, मैक्सिमम कितनी दूरी हो सकती है। अगर आप उस केस में क्या प्रोवाइड, इस केस में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सब्सटेंशियल लैगिंग प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब कि टेम्पररी लैगिंग्स आप लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो टेम्पररी लैगिंग्स जब प्रोवाइड कराते हो, तो उस केस में आप ये जो परमानेंट लाइनिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना रख सकते हो मैक्सिमम, है ना। मतलब कि देखिए ये आपका शाफ्ट हो गया, आप लाइनिंग प्रोवाइड करा रहे हो, लाइनिंग मान लीजिए आपने, ये आपका शाफ्ट बॉटम हो गया, ठीक है। अब ये आप लाइनिंग प्रोवाइड कराते कराते, परमानेंट लाइनिंग जो है प्रोवाइड कराते कराते यहाँ तक आ गए, आपको नहीं करना है कि भैया मैं इतना 6 मीटर की दूरी नहीं रख सकता, मेरे को और दूरी चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, आप इसके आगे कुछ स्टील के, स्टील की लैगिंग्स प्रोवाइड करा दोगे। इस टाइप का मैं बना देता हूँ स्टील का साइन, स्टील लैगिंग्स प्रोवाइड करा रहे हो, आयरन और स्टील की लैगिंग्स प्रोवाइड करा रहे हो, है ना, जो कि टेम्पररी, उसके बाद आप परमानेंट करोगे। तो इस केस में परमानेंट लाइनिंग और परमानेंट लैगिंग्स और शाफ्ट बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए,
है ना, समझ गए इस चीज को, ये आपको बताना है। मतलब कि हम का क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, परमानेंट लाइनिंग और शाफ्ट बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि भैया ब्लास्टिंग होती है, मान लो परमानेंट लाइनिंग यहाँ तक कर दिया, 6 मीटर की दूरी पे है, क्या पता वो परमानेंट लाइनिंग जो है तो डैमेज हो गई ब्लास्टिंग के कारण शाफ्ट सिंकिंग के टाइम पे। तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा दूरी बढ़ा दिया जाए। तो आप कैसे करेंगे, ये आपको वो दूरी बतानी है, 20 मीटर होनी चाहिए या फिर 6 मीटर होनी चाहिए या फिर 10 मीटर कर सकते हैं बढ़ाकर, या फिर बढ़ाकर 15 मीटर तक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कितना डिस्टेंस तक दूरी रख सकते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम 20 मीटर तक आप इसमें भी ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं करना है, 20 मीटर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कि पूछता है कि नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इज टू बी सेंड टू रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, जो वाइंडिंग इंजन का नोटिस है ना, आपको जब भी मतलब वाइंडिंग का नया इंस्टॉलेशन करना है या फिर कोई भी वाइंडिंग इंजन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें नए वाइंडिंग इंजन के इंस्टॉलेशन के केस में एक नोटिस भेजना होता है रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये हमें कितने दिन पहले भेजना होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 60 डेज बिफोर यूज, या फिर 45 डेज बिफोर यूज, या फिर 90 डेज बिफोर यूज, या फिर 120 डेज बिफोर यूज। तो कितने दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा, मतलब जिस दिन आप यूज करना चाह रहे हैं वाइंडिंग इंजन को, उसके इंस्टॉलेशन के कितने दिन पहले आपको भेजना होगा। ठीक है, नोटिस, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डेज बिफोर यूज, 60 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस ऑन अ मैन वाइंडिंग शाफ्ट शुड लिमिट द स्पीड ऑफ लैंडिंग टू नॉट मोर देन। बोल रहा है कि जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस है, मतलब ऑटोमेटिक जो सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए वाइंडिंग शाफ्ट में है ना, तो उसमें मैन वाइंडिंग शाफ्ट में जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगे हैं, तो उसमें जो लैंडिंग के पहले जो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए इनके द्वारा जो सेट की जाती है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस के द्वारा, वो आखिर स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लैंडिंग के पहले। ठीक है, लैंडिंग स्पीड आखिर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो लैंडिंग की स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.0 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए लैंडिंग के पहले। ठीक है, जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस है उसकी स्पीड घटा के कितनी कर दें, 1.5 मीटर पर सेकंड कर दें, है ना, या उससे कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है व्हेन पॉइंट फिक्स्ड ऑन इंडिकेटर ऑफ इंजन शोज द केज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द ड्रम सर्कमफेरेंस, winding engine is required to control the speed of cage not to exceed। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि इंजन में इंजन जो है तो वो केज एक इंडिकेटर लगा होता है, उसमें एक इंडिकेटर में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, उस फिक्स पॉइंट में जब इंजन शो करता है कि हाँ आपका केज पहुंच चुका है, इंडिकेटर में शो करेगा कि हाँ इस पॉइंट पे आपका केज पहुंच चुका है, और ये जो डिस्टेंस है, जो बची हुई डिस्टेंस है, अब आपका जो केज की स्पीड है वो आपको कंट्रोल करनी है, किस बची हुई डिस्टेंस में, अब ड्रम में जो बोलते हैं जो रोप है वो ट्वाइस द ड्रम सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ड्रम के सरकमफ्रेंस से दुगनी डिस्टेंस बची हुई है, ड्रम का सरकमफ्रेंस मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका ड्रम है, तो इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है कि भैया यहां से मैंने ये डिस्टेंस मेजर की, यहां से ऐसे मेजर करते 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 वापस से आ गया। ठीक है, फिर एक राउंड फिर से एक बार फिर से डिस्टेंस मेजर की, तो दोनों को ऐड किया तो जो टोटल डिस्टेंस आई है, दोनों को ऐड करने पे जो टोटल डिस्टेंस आई है वो टोटल डिस्टेंस बची हुई है। अब उतनी डिस्टेंस जो है, बची हुई डिस्टेंस जो है, तो केज की स्पीड को क्या करेगा, वो इंडिकेटर के बाद आपको वाइंडिंग इंजन मैन की जिम्मेदारी है कि केज की स्पीड को कंट्रोल करे। तो केज की स्पीड आखिर कितनी करनी है ना, तो कितनी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो
ऑप्शन नंबर ए है 1.2 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, या फिर 1.6 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, या फिर 1.8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। देखिए अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो वो हो गया जहां पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वो कंट्रोल करते हैं, तो वो कितने स्पीड पे लाके खड़ा कर देंगे, वो 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लाके कर देते हैं। ठीक है, अब वाइंडिंग इंजन मैन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना डिस्टेंस बचे ड्रम के सरकमफ्रेंस से दुगना, है ना, ड्रम के सरकमफ्रेंस का दुगना डिस्टेंस जब बचे, दूरी बचे कहीं पे लैंड करने से पहले, तो जो केज की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर पर सेकंड या उससे कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, वाइंडिंग इंजन मैन की है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर के थ्रू वहां पे वो एक इंडिकेटर लगा के रखेंगे कि हाँ अब इतनी डिस्टेंस बची है प्राइस द ड्रम सरकमफ्रेंस, अब इतनी डिस्टेंस हमें 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये पूछता है नंबर ऑफ पर्सन्स टू राइड इन अ केज इज फिक्स्ड बाय, एक केज में कितने लोग राइड करेंगे ये कौन फिक्स करके बताएगा, कौन बताएगा कितने लोग राइड करेंगे। ठीक है, एक केज में कितने लोग बैठेंगे या खड़े होंगे जो भी है, तो कितने लोग करेंगे ये कौन बताएगा, इंजीनियर बताएगा या फिर मैनेजर बताएगा या फिर चीफ इंस्पेक्टर बताएगा या फिर रीजनल इंस्पेक्टर बताएगा, आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको कौन बताएगा, यहाँ पे आपको मैनेजर बताएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट आंसर है, मैनेजर जो है तो फिक्स करता है कि कितने पर्सन एक केज में राइड करेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रख सकते हैं, वो भाई धीरे धीरे थोड़ा बहुत और भी देख लेते हैं कि भाई जितने लोग राइड करेंगे पर पर्सन कैसे डिसाइड करता है, पर पर्सन कितना एरिया फ्लोर का कवर करेगा, 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया, मीटर स्क्वायर का एरिया जो है तो एक आदमी कवर करेगा, इस हिसाब से जो है तो मतलब केज का ये फ्लोर है तो एक आदमी 0.2 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा, वैसे ही वो डिसाइड कर लेगा कितने आदमी एक केज में राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना मान के चला जाता है ना, 0.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि ये पूछता है कि सस्पेंशन गियर इज टू बी एग्जामिन्ड बाय इंजीनियर और अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी, सस्पेंशन गियर का जो है तो एग्जामिनेशन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होना चाहिए, फिर किसी इंजीनियर द्वारा होना चाहिए, ये कितने समय में होना चाहिए, है ना, कितने समय में होना चाहिए सस्पेंशन गियर का एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है। ठीक, तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 24 घंटे में, या फिर 7 दिन में, या फिर 10 दिन में, या फिर 15 दिन में, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आप ऑप्शंस में चूज कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में एक बार जो है तो इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन की जिम्मेदारी है कि जाके सस्पेंशन गियर को चेक करें, या आप रेगुलेशन नंबर 88 में देख सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है केज चेन्स एंड सस्पेंशन गियर आर टू बी थरली एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, केज चेन्स हो गए या और जो सस्पेंशन गियर हो गया, इनका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही थॉरो मतलब बहुत ही डीप एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन कितने दिन में एक बार होना चाहिए, तो 15 दिन में, या फिर 6 महीने में, या फिर 30 दिन में, या फिर 3 महीने में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 6 महीने में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी केज चेन्स होती हैं या फिर सस्पेंशन गियर के जो पार्ट्स होते हैं और डिटैचिंग हुक हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इनको अच्छे से साफ किया जाता है, केयरफुली एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं इनमें वियर एंड टीयर तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है, और ये सारी चीजें कितने देर, कहीं जंग तो नहीं लगा, क्रैक्स तो नहीं आ गए, तो ये सारी चीजें हम कितने महीने में एक बार चेक करते हैं, 6 महीने में एक बार हम चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि ये बोलता है डिटैचिंग बेल्स और प्लेट्स इन शाफ्ट्स आर टू बी एग्जामिन्ड
are to be examined and opening checked by calipers or gauges once at least in every. जो detaching bells होती हैं, जो plates होती हैं, detaching plates जो होती हैं shaft में, इनका examination जो है तो calipers या फिर gauges के द्वारा कितने दिन में एक बार होना चाहिए, ठीक है? तो कितने दिन में एक बार होना चाहिए, इसका option है option number A 15 days, option number B 30 दिन, option number C 45 days and option number D 60 days में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज में एक बार होना चाहिए। ये आपको जस्ट जहां पे मतलब आपको 86 रेगुलेशन का भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसके जस्ट नीचे सब रेगुलेशन 4B में आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो किसी कोई डाउट हो तो वहां से ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोलता है डिटैचिंग हुक इन अ मैन वाइंडिंग शाफ्ट इज टू बी टेकन अपार्ट clean and carefully examined for wear and tear at least once in every 6 months. ये तो हम जान गए कि भैया detaching hook जो है winding shaft में उसको हम निकालेंगे, साफ करेंगे और carefully examine करेंगे कहीं उनमें wear and tear तो नहीं हुआ, मतलब कहीं चीड़ फाड़ तो नहीं हो गई उनमें। कितने दिन में एक बार चेक करते हैं? 6 महीने में एक बार करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर शाफ्ट सिंकिंग का केस है, अगर शाफ्ट सिंकिंग हो रही है तो दिस इज टू बी डन एटलीस्ट वंस इन एवरी। तो शाफ्ट सिंक, लेकिन शाफ्ट सिंकिंग के केस में कितने दिन में एक बार करेंगे या फिर कितने समय में करेंगे एक बार, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 months में करेंगे, एक महीने में, हर महीने करेंगे, या फिर 14 दिन में एक बार करेंगे fortnight मतलब, या फिर चौथा ऑप्शन है वीक में एक बार करेंगे, हफ्ते में एक बार करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि भैया नॉर्मली हम 6 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन शाफ्ट सिंकिंग के केस में हम हफ्ते में एक बार जरूर करना कंपलसरी है ये काम, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोलता है कि कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन शैल बी एग्जामिन्ड रेस्पेक्टिवली वंस एट लीस्ट इन एवरी। वाइंडिंग इंजन के जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी पार्ट्स और इंटरनल मतलब अंदर के जो पार्ट्स हैं वाइंडिंग इंजन के, उनका एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार होना चाहिए या फिर कितने समय में एक बार होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है, ठीक है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 7 दिन में और 12 महीने में, मतलब कि एक्सटर्नल का और इंटरनल का अलग अलग है, तो एक्सटर्नल के लिए आपको ये वाला पहला ऑप्शन होगा और इंटरनल के लिए दूसरा वाला ऑप्शन रहा करेगा, ठीक है? तो याद रख लीजिएगा। चलिए 15 दिन या और 6 महीने, या फिर 3 दिन या 3 महीने, या फिर 3 दिन और 12 महीने में एक बार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि एक्सटर्नल पार्ट्स का हम 7 दिन में एक बार करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स का 7 दिन में एक बार होना चाहिए। एक्सटर्नल पार्ट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? आपका रोप आ जाता है, वाइंडिंग रोप आ जाता है जिसकी स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके एक्सटर्नल पार्ट्स में गाइड्स आ जाते हैं, सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स आ जाते हैं जो कि शाफ्ट में फिट रहते हैं, ठीक है? इनका जो है तो आपका 7 दिन में एक बार होता है। और अगर हम इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो वाइंडिंग इंजन में जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं तो उनका 12 महीने में एक बार क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। हम वाइंडिंग इंजन की बात कर रहे हैं, सस्पेंशन गियर का अलग था, सस्पेंशन गियर का भी हमने देखा, उसमें आपको 6 महीने और पर वीक का भी था और आपका कितने दिन, 30 दिन वाला भी था, हर एक चीज का अलग अलग था, ठीक है? तो हर एक पार्ट्स का अलग अलग आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 days and 12 months, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, Which parts of winding installation are examined once at least in every 7 days? Winding installation के कौन से parts जो हैं 7 दिन में एक बार examine किए जाते हैं? देखिए अब यहाँ पे question को थोड़ा सा पलट दिया है ना, कि अब आपसे parts पूछ रहा है कि 7 दिन में एक बार कौन से winding engine के, winding installation के कौन से parts examine किए जाते हैं? तो एक तो आप directly बोल सकते हो भैया external parts, है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। दूसरा चीज क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि भैया सिग्नलिंग अरेंजमेंट है, ऑप्शन नंबर बी गाइड्स है, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल पार्ट्स और वाइंडिंग इंजन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईच रोप बाय रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो भैया इसमें तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, देयरफॉर ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि At what intervals are manholes to be provided in a haulage roadway of gradient 1 in 5?
देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, पहले चीज तो ये समझिए कि मैन होल्स की दूरी कितनी होनी चाहिए। पहले चीज तो मैन होल्स, दो मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब एक हॉलेज रोडवे है, हॉलेज रोडवे है मतलब जहां पे टप्स वगैरह चलते हैं, उसमें दो मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब जितने भी आप मैन होल्स प्रोवाइड करोगे उन सभी मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेडियंट कितना है हॉलेज रोडवे का, 1:5 का ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करके बताना है, उसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:5 के ग्रेडियंट पे करेक्ट आंसर होगा 10 मीटर, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन क्या दी है कि अगर 1:6 से ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट लेस देन 1:6 है, लेस देन 1:6 है, 1:6 से ग्रेडियंट कम है, तब उस केस में मैन होल्स के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 मीटर, उससे ज्यादा दूरी नहीं रख सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, ग्रेटर देन है ना, या फिर एक्सीड्स लिख दिया 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, तो उस केस में आपको 10 मीटर आंसर में होगा, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपका 1:6, ठीक है। ज्यादा का मतलब देखिए स्टीपर हो जाता है ना, ज्यादा का मतलब क्या होता है, स्टीपर मतलब और ज्यादा ढलान वाला, है ना। और लेस मतलब क्या होता है, फ्लैट, ठीक है, जितना ज्यादा कम ढलान वाला, लेस स्टीपर, ठीक है, कम ढलान वाला। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस चीज को ऐसे समझना है कि भैया 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, ज्यादा है मतलब कि ज्यादा स्टीपर है, मतलब कि 1:5 ज्यादा स्टीपर हो गया, है ना। तो 1:5 ज्यादा स्टीपर है तो उस केस में आपका 10 मीटर आंसर हो जाएगा। 1:6 से अगर ज्यादा लिख देता, सॉरी कम लिख देता कि हाँ ग्रेडियंट कम है, तो उस केस में आपको क्या लिख देना है, 20 मीटर लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, हाइट ऑफ मैन होल्स अलोंग हॉलेज रोडवे शैल बी, हॉलेज रोडवे में जो मैन होल्स हम बना रहे हैं, ठीक है। अब तो हमने डिस्टेंस देख ली, दो मैन होल्स के बीच की दूरी देख ली, अब अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट कितनी होनी चाहिए मैन होल्स की, है ना। तो इसकी हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर नॉट लेस देन फुल हाइट ऑफ रोडवे इफ द हाइट इज लेस देन 1.8 मीटर। रोडवे की हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, जितनी रोडवे की हाइट है उतनी उतनी हाइट रख लो मैन होल्स की। कब, किस केस की बात कर रहा है, अगर रोडवे की हाइट क्या है, 1.8 मीटर से कम है, ठीक है। तीसरा, चौथा ऑप्शन हो गया आपका ए और बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और पांचवा ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। पहली कंडीशन क्या बोल दी गई कि भैया आप एक तो 1.8 मीटर से कम नहीं रखेंगे हाइट, ठीक है, इतना तो रखना ही रखना है, ठीक। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस हो गया कि भाई आपकी गैलरी की जो हाइट है, आपका जो गैलरी है इसकी जो हाइट है गैलरी की, ये 1.8 मीटर से कम है, मान लो कि ये 1.5 मीटर की हाइट है गैलरी की, ठीक है, तो गैलरी की हाइट के बराबर ही आपको क्या बनाना है, मैन होल बनाना है गैलरी की हाइट के बराबर, समझ गए। तो गैलरी की जो हाइट है उसका फुल हाइट है ना, गैलरी जो रोडवे है उसकी फुल हाइट के बराबर हमें क्या बनाना है, आपको बनाना रहेगा। किस केस के लिए है, जब गैलरी की हाइट 1.8 मीटर से कम होती है। 1.8 मीटर से ज्यादा है तो मैन होल कितना आप बना दोगे, 1.8 मीटर की हाइट का मैन होल या फिर उससे ज्यादा का आप बना सकते हो, ठीक है। 1.5 मीटर का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन इनर मोस्ट एंड्स ऑफ टू टब्स इन टैंडम। दो टब्स जब टैंडम में है, मतलब एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, दो टब्स जब एक दूसरे से अटैच है, टैंडम में है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक टब ये हो गया, दूसरा टब आपका ये हो गया, है ना, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, दोनों टब जुड़े हुए हैं,
तो दो टब्स एक दूसरे से जब टैंडम में है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कम से कम कितना होना चाहिए? ठीक है, ज्यादा गैप रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गैप कितना होना चाहिए इनके इनर मोस्ट एंड से? ठीक है, तो ये गैप कितना होना चाहिए कम से कम, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 37 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 38 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आपके ऑप्शंस हो गए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेगुलेशन नंबर 94 में जो पहला सब रेगुलेशन है उसी में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है व्हाट शैल बी द क्लियर मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलो ट्रैक्स एट प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड एंड और अनकपल्ड। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक आपको लगे, बट मैं आपको समझा देता हूं कि बोल रहा है जहां पर टब्स को, ये ध्यान से सुनिएगा, जहां पर टब्स को कपल किया जाता है या फिर अनकपल किया जाता है, मतलब कि रोप से अटैच किया जाता है या फिर डिटैचमेंट किया जाता है या फिर दो टब्स को जोड़ा जाता है, ऐसी जगह जहां पर कपलिंग या फिर अनकपलिंग का काम चलता है, उन जगहों पर जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, जो ट्रैक्स हैं, अब मान लीजिए दो ट्रैक्स, एक ये ट्रैक हो गया, एक साइड में ट्रैक हो गया। ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं, एक दूसरे के अगल बगल जो ट्रैक्स हैं, इनके बीच की मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए इनके बीच में? मिनिमम क्लियर स्पेस इनके बीच में कितना होना चाहिए? मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए इनके बीच में? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ढाई आधे मीटर का होना चाहिए, 0.5 मीटर, या फिर 0.8 मीटर, या फिर 1.2 मीटर, या फिर 1 मीटर। ठीक है, तो मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड बता रहा हूँ, आपका रेगुलेशन नंबर 92 में, सब रेगुलेशन 18 में ये मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 92 में, सब रेगुलेशन 18 में आपको ये मिल जाएगा। उसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर इनके बीच में होना चाहिए क्लियर स्पेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और टब्स और रोडवे के एक साइड, टब्स और रोडवे के एक साइड के बीच में भी जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसमें बताया हुआ है उसी रेगुलेशन में। हॉल रोड ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड, हॉल रोड का ग्रेडियंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए। 1 in 10 हो गया, या फिर 1 in 14 से ज्यादा, या फिर 1 in 15 से ज्यादा, या फिर 1 in 16 से ज्यादा, या फिर 1 in 20 से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हॉल रोड की बात कर रहा है, आपका जो ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड होता है उसकी बात की जा रही है, तो उसका ग्रेडियंट आपको बताना है कि इससे ज्यादा उसका ग्रेडियंट स्टीपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1 in 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को रेगुलेशन में तो नहीं दिया हुआ है ना? आपका रेगुलेशन नंबर कौन सा है? ये आपका रेगुलेशन नंबर 101 हो जाएगा। 101 में आपको वो पैरामीटर्स जो है तो बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये आपके पैरामीटर्स अलग से आप अगर स्पेशल ऑर्डर्स पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि 1 in 16 से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। और आपको और भी चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे रैंप का ही आपसे किसी ने पूछ लिया, अब एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि रैंप का आपसे किसी ने पूछ लिया तो रैंप का ग्रेडियंट जो है तो 1 in 10 से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, है ना? रैंप क्या होता है, एक हॉल रोड को दूसरे हॉल रोड से कनेक्ट करने वाली जो रोड होती है उसको रैंप बोलते हैं, वो ढलान वाली होती है ना, तो इसका भी स्टीपर, इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ढलान वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि एम्बैंकमेंट्स या पैरापेट वॉल, एम्बैंकमेंट्स या पैरापेट वॉल क्या होता है हॉल रोड के साइड में, हॉल रोड के साइड में जो आप बर्म बनाते हो, ठीक है, उनको एम्बैंकमेंट्स या फिर पैरापेट वॉल बोलते हैं। ठीक है, रोड के दोनों साइड में, है ना, जैसे ये रैंप उतारी तो रैंप के दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, इधर भी पूरा एक ऊंचा
पैरापेट वॉल जैसा खड़ा कर दूंगा मिट्टी का ही, और यहाँ पे भी मिट्टी का ढेर लगा दूंगा, इस टाइप से कुछ होगा मिट्टी का ढेर। ठीक है, तो ये मिट्टी का जो ढेर है, ये मिट्टी के ढेर के बारे में भी आपसे कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पूछ सकता है कि जो इसका टॉप का विड्थ है, ये ऊपर का टॉप का जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो बॉटम का विड्थ है, ये वाले विड्थ, ये 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद में रख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी डिटेल्स आप याद रखिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोलता है पार्ट्स ऑफ रोप हॉलेज सिस्टम दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 24 आवर्स आर। हर 24 घंटे में जो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा जो रोप हॉलेज सिस्टम के पार्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? हर 24 घंटे में जो रोप होले सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, रोप होले सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, उनको एग्जामिन जो किया जा रहा है 24 आवर्स में किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, है ना, उसके जो पार्ट्स हैं उनको, तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हॉलेज इंजन, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक व्हील, तीसरा ऑप्शन है रोप, चौथा ऑप्शन है अदर अप्लायंसेस इन यूज, मतलब कि रोप होले सिस्टम से जो जुड़े हुए अप्लायंसेस हैं वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी को। ठीक है, 24 घंटे में ये सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए, एग्जामिन होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 98 में, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हर एक जितनी भी चीज आपको ऑप्शन में दिया है, ये सभी का एग्जामिनेशन हर 24 घंटे में एक बार होना जरूरी रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है एग्जामिनेशंस के बारे में बात करता है। तो किस चीज का कब एग्जामिनेशन हुआ है, ये यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे दिया। अब आपको बताना कि वो सही है या गलत है, इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से सही कौन सा है आपको ये चीज बतानी है यहाँ पे। तो एक हो गया हॉलेज इंजन एंड रोप। हॉलेज इंजन एंड रोप में इनका एग्जामिनेशन कब होना चाहिए? वंस एट लीस्ट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में एग्जामिनेशन होता है हॉलेज इंजन का और उसके रोप्स का। ठीक है, तो ये तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, करेक्ट है ये। ठीक है, अगला ऑप्शन हॉलेज ट्रैक और उसके उससे रिलेटेड सेफ्टी डिवाइसेस जो है, उनका एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी जो है तो करेक्ट है या नहीं है, ये आपको बताना है। बाकी आपको ये रेगुलेशन नंबर 98 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, टब बफर्स, ड्रॉबार्स एंड टब कपलिंग्स, इनका एग्जामिनेशन 14 दिन में एक बार होना चाहिए, कम से कम एक बार 14 दिन में। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 94 में, ये सही है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाता है आपका हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज जो है, तो इनका एग्जामिनेशन 7 दिन में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज बोल रहा है यहाँ पर। अब इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 99 में। ठीक, मैं आपको रेगुलेशन इसीलिए बताते जा रहा हूं कि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए तो अब अपना आखिरी ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी करेक्ट हैं? ठीक है, आप चेक करिए, आंसर को ढूंढिए, चेक करिए, और फिर उसके बाद आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब आपको देखिए एक तरीके से नोट्स भी बन गया कि हाँ, मेरे को एक जगह मिल गया पूरा का पूरा कि कौन सी चीज का कब एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सब्सटेंशियल फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बिटवीन हॉलेज रोड एंड बिल्डिंग्स इन द विसिनिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। हमें फेंसिंग प्रोवाइड कराना है ना, अगर हॉलेज रोडवे और जो बिल्डिंग है, हॉलेज रोड और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है इतना हो है, मतलब डिस्टेंस बतानी है कितना डिस्टेंस होने पर हमें सब्सटेंशियल फेंसिंग, मतलब कि फेंसिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 20 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 30 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 40 मीटर हो जाता है तब कराना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको रेगुलेशन नंबर 103 में फेंसिंग एंड गेट्स में दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर अगर डिस्टेंस हो जाती है तो उस केस में आपको इनके बीच में प्रोवाइड कराना रहता है। ठीक है, सब्सटेंशियल फेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है एफिशियंट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन एंड ऑफ हॉलेज सिस्टम एंड द टॉप ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन इफ लेंथ ऑफ हॉलेज सिस्टम एक्सीड्स। हॉलेज सिस्टम की लेंथ कितना होने पर,
हॉलेस सिस्टम की, अब क्या क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हॉलेस सिस्टम की लेंथ कितने ज्यादा, कितने से ज्यादा होने पर, है ना, आपको वो डिस्टेंस बतानी है कि हॉलेस सिस्टम इतना ज्यादा लंबा होने पर आपको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा उसमें, शाफ्ट टॉप या फिर इंक्लाइन टॉप जो भी है आपका वहां पर, है ना, और हॉलेस सिस्टम का जो एंड है ना, एंड है, इनके बीच में आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। हॉलेस सिस्टम के एंड के और शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप के बीच में जो जो लेंथ है वो कितनी हो गई है वो आपको लेंथ बतानी है, और उतना लेंथ होने पर क्या होता, उतना या फिर उससे ज्यादा लेंथ होने पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना रहता है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होने पर आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 600 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 1 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस अगर क्या पता 1 किलोमीटर होने पर प्रोवाइड कराएंगे या फिर 600 मीटर प्रोवाइड होने पर प्रोवाइड कराएंगे या फिर 500 मीटर या फिर 300 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर होने पर प्रोवाइड कराएंगे। आपको ये वाला मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 92 में, सब रेगुलेशन 8, ठीक है, रेगुलेशन 92 सब रेगुलेशन 8 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ लोकोमोटिव शैल नॉट बी यूज्ड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स, जहां पे ट्रैक्स का जो ग्रेडियंट है वो कितना होने पर लोकोमोटिव नहीं यूज करना है ना, उससे ज्यादा होने पर लोकोमोटिव नहीं यूज करना, मतलब उससे ज्यादा अगर ढलान वाला हो जाता है तो हमें कोई भी लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। तो उससे ज्यादा ढलान होने पर मतलब कि आपका ग्रेडियंट कितने, मतलब इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, तो कितने से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, 1 in 14 या फिर 1 in 15 या फिर 1 in 16 या फिर ग्रेडियंट एज परमिटेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, जैसा रीजनल इंस्पेक्टर बोले फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका करेक्ट आंसर होगा कि रेगुलेशन नंबर 99 में, सॉरी 100, रेगुलेशन नंबर 100 में दिया हुआ है कि लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं करना है अगर ग्रेडियंट जो है ट्रैक्स का किससे कितने से ज्यादा हो जाता है, 1 in 15 से ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कि पूछता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसमें पहली चीज तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए स्पॉइल बैंक का, सिंपल सी बात, स्पॉइल बैंक का जो एंगल ऑफ रिपोज है जो स्लोप का वो कितना होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये चीज पूछा जा रहा है जो कि आपको रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है, आखिर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये एक डंप का ढेर है, ठीक है, ये डंप का ढेर है, अब इस डंप के ढेर में से यहां से कहीं से मान लीजिए क्रैक हुआ, और ये क्रैक होने के कारण ये क्या हुआ, इतना हिस्सा नीचे की तरफ भागेगा, अब ये इतना हिस्सा नीचे की तरफ ना भागे इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, कि भाई इसको चीज को इस तरीके से कर दें, इतना कर दें, है ना, तो ये एंगल को क्या किया हमने, घटा दिया, अभी एंगल ऐसा था अब एंगल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इतना छोटू सा एंगल हो गया, मतलब आप सेम पॉइंट से मान लीजिए एंगल, मान लीजिए ऐसा है, अगर आप इसी चीज को थोड़ा दूर से कर देंगे तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, ये सेम पॉइंट, ये सेम हाइट वाली अगर चीज को मैं पूछू बोलू तो सेम हाइट वाली ही चीज है, बस थोड़ा सा और दूर कर दिया है, तो ये क्या हो गया, एंगल पहले इतना बड़ा था लेकिन अब एंगल घट गया है, तो एंगल ऑफ रिपोज इसी को बोलते हैं कि स्पॉइल बैंक का एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए, ये स्लोप ना करे, ये स्पॉइल बैंक में से ये स्लिप ना करे, ये फ्रैक्चर होके नीचे ना गिरे, इनको रोकने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट अपना ऑप्शन देखते हैं और आंसर देते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 45.8 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 37.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30.5 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 55.7 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37.5 डिग्री, ठीक है, इससे एंगल ऑफ रिपोज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद में रख सकते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम, ये आपको जो है तो ये किस में मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 108 में इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि बोलता है एट एवरी प्लेस वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड्स डैश फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल स्टेप्स शैल बी मेड।
हर जगह पर जहां पर इंक्लिनेशन इतने से ज्यादा बताना, वही इंक्लिनेशन बताना, कितने डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन होने पर आपको स्टेप्स बनाने होंगे, मतलब कि सीढ़ियां बनाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन कितने से ज्यादा होने पर सीढ़ियां बनाना कंपलसरी है? 15 डिग्री से ज्यादा होने पर, या फिर 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 40 डिग्री हो से ज्यादा होने पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री से ज्यादा होने पर आपको इंक्लिनेशन क्या होने पर, इंक्लिनेशन होने पर आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बनाने होंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल स्टेप्स बनाने होंगे, मतलब कि सीढ़ियां बनानी होंगी। चलिए एक जानकारी और दे देता हूँ कि सीढ़ियों का विड्थ और हाइट क्या होगी। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद में रख सकते हो। तो सीढ़ियों की जो विड्थ हाइट होगी, ये जो एक सीढ़ी है इसकी जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 0.18 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, है ना, इस सीढ़ी की चौड़ाई की बात करूं, तो इसकी चौड़ाई जो है 0.35 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी आप रख लो। ठीक है, चौड़ाई आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, लेकिन हाइट कम मैक्सिमम इतना ही रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हाइट इतना मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, और ये मिनिमम है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी चौड़ाई रख लो आप, है ना, इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको रेगुलेशन नंबर 132 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये बोलता है व्हाट शैल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में माइन बाउंड्री से वर्किंग की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी भी दूर रख लो, है ना, लेकिन उतनी दूरी जरूर मेंटेन करके रखो बाउंड्री से। तो पहला ऑप्शन है 15 मीटर, 20 मीटर, 7.5 मीटर, 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया यार, चलो कोई नहीं, 7.5 मीटर, एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर 7.5 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूफ सपोर्ट क्रॉस बार्स में बी फिक्स्ड इन द रोडवे साइड्स इन होल्स एट लीस्ट डैश डीप। रूफ सपोर्ट है ना, बोल रहा है कि अगर आप रूफ में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसकी मदद से? क्रॉस बार्स की मदद से। तो क्रॉस बार्स क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपकी गैलरी, आप सामने से देख रहे हो, तो इस गैलरी में आप क्या करोगे? होल्स मारोगे। ठीक है, साइड्स के में, रोडवे के साइड्स में होल्स मारोगे, और इस पूरी गैलरी में क्या करोगे? क्रॉस बार्स डाल दोगे। ठीक, तो ये क्रॉस बार्स जो है, ये जो गड्ढा खोद रहे हो साइड्स में, पिलर्स में, तो ये गड्ढा कितने मीटर डेप्थ का होना चाहिए, बेसिकली आपको इसमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो आपको क्या चाहिए था कि भाई रेगुलेशन किस रेगुलेशन में आता है, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको ये जो है, तो रेगुलेशन नंबर, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर, हाँ, रेगुलेशन नंबर 124 में ये आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और पिछला वाला जो क्वेश्चन है, ओपन कास्ट वाला ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 122 में। ठीक, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट व्हेन परमिटेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर विथ ऑफ अ गैलरी शैल नॉट एक्सीड, है ना, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लिए बिना गैलरी की जो विथ है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, किससे परमिशन लेते हैं? रीजनल इंस्पेक्टर से, और गैलरी की हमें विथ थोड़ी बहुत भी बढ़ानी है। ठीक, तो कितने से ज्यादा विथ नहीं होनी चाहिए गैलरी की? 3.6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4.2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 5.2 मीटर से ज्यादा गैलरी की विड्थ नहीं होनी चाहिए। कितने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका करेक्ट आंसर है
4.8 मीटर। ठीक है, गैलरी की हाइट कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा गैलरी की हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी में एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू सीम्स और सेक्शंस ऑफ अ सीम आर नोन एज कंटीजुअस सीम और सेक्शंस रेस्पेक्टिवली इफ पार्टिंग बिटवीन देम इज। दो सीम और सेक्शंस किसी सीम में है ना, और वो कंटिजुअस सीम है, वो कंटिजुअस सीम के नाम से जानी जानी है। दो सीम्स या सेक्शंस या फिर मतलब एक ही सीम में बहुत सारे सेक्शंस बने हुए और कंटिजुअस सीम है या फिर, तो इन सीम्स या फिर जो सेक्शंस हैं इनके बीच की जो पार्टिंग है कम से कम कितनी दूरी तक ले जा सकते हो, उससे कम पार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्किंग कर रहे हो दो सीम्स में, दो अलग अलग सीम्स में कर रहे हो, कंटिजुअस सीम्स में कर रहे हो है ना, दो अलग अलग कंटिजुअस सीम्स में कर रहे हो या फिर एक ही सीम में बहुत सारे सेक्शंस बना दिए हैं आपने ऊपर नीचे, तो इनके बीच का जो पार्टिंग है वो पार्टिंग कितना कम से कम कितना आपको रखना पड़ेगा, कंपलसरी है, समझ रहे हो ना भाई। एक सीम में इसमें भी काम चल रहा है और एक सीम ये भी है इसमें भी काम चल रहा है। अब मैं काम करते करते रूफ की हाइट अगर मैं बढ़ाता हूं या फिर फ्लोर इधर नीचे की तरफ जाता है, तो फिर भी इन दोनों के बीच में कितना कम से कम डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। ठीक है, तो कंटिजुअस सीम्स के बीच का, सॉरी कंटिजुअस सीम्स का इसमें पूछ रहा है कि आखिर कंटिजुअस सीम्स के बीच का पार्टिंग कितना होना चाहिए, तो कंटिजुअस सीम्स के बीच का पार्टिंग कितना होता है, 9 मीटर, उससे कम कंटिजुअस सीम्स के बीच का पार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक, अब अगर हम रेगुलेशन की बात करें कि ये किस रेगुलेशन में दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 118 में, रेगुलेशन नंबर आपको 118 रेगुलेशन में आपको इसके बारे में दिया हुआ है ना, कि दो 9 मीटर से कम की पार्टिंग है तो उस केस में आपको किससे परमिशन लेना होगा, आपको यहां पर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है द टो ऑफ अ स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन डैश ऑफ अ माइन ओपनिंग रेलवे, माइन ओपनिंग रेलवे और अदर पब्लिक वर्क्स। बेसिकली बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये स्पॉइल बैंक है। ठीक है, अब स्पॉइल बैंक का ये जो टो है तो मान लीजिए कहीं पे रेलवे है ना, या फिर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो इनसे आखिर कम से कम इसकी कितनी दूरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो जाए, तो ये दूरी आपको बतानी है। 100 मीटर होनी चाहिए या फिर 300 मीटर होनी चाहिए या फिर 550 मीटर होनी चाहिए या फिर 200 मीटर होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 100 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको किसमें दिया होगा ये भी बता देता हूँ, ये आपको दिया होगा, एक सेकेंड बता दे रहा हूँ, कंफर्म करना जरूरी रहता है ना दोस्त, 100 मीटर, हाँ ये रहा, ये आपको दिया है रेगुलेशन नंबर 108 में। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि ये बोलता है व्हाइल वर्किंग टू कंटिन्यूअस सीम्स और सेक्शन पार्टिंग बिटवीन देम शैल नॉट बी लेस देन। हाँ, ये वो वाला क्वेश्चन था है ना, वो गलती से मैंने बोल दिया था उसमें कि दो कंटिजुअस सीम्स में अगर काम चल रहा है, वर्किंग चल रहा है आपका दो कंटिजुअस सीम्स में या फिर सेक्शंस में, ठीक है, एक या फिर एक ही सीम के सेक्शंस में, तो उस केस में जो पार्टिंग है उनके बीच में, वर्किंग्स के बीच में जो पार्टिंग है वो कम से कम कितना होना चाहिए, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा परमिटेड किया गया हो है ना, या फिर जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा परमिटेड किया गया होगा उतनी पार्टिंग आप रखोगे, लेकिन कायदे से कितनी पार्टिंग होगी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इनके बीच के पार्टिंग आपको बताना है कितनी होनी चाहिए अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो तो आप जान ही गए होंगे, 3 मीटर। ठीक है, कम से कम 3 मीटर फिर भी आपको पार्टिंग छोड़नी पड़ेगी, मतलब भले कोयला है नहीं निकालना है, छोड़ देना उतना कोयला। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये बोलता है कि फॉर वर्किंग इन मोर देन वन सेक्शन इन एनी सीम और वर्किंग्स इन टू सीम्स लाइंग विद इन
डैश ऑफ ईच अदर प्रायर परमिशन ऑफ सीआईएम इज नेसेसरी। कंटिजुअस सीम्स में काम करना है ना, या फिर दो सीम्स ऐसी जो एक दूसरे के कितने मीटर के भीतर हैं उनमें अगर काम करना है तो आपको, मतलब मान लीजिए बेसिकली एक तो किसी सीम में एक से अधिक सेक्शंस बना के आप काम कर रहे हो, किसी सीम में एक से अधिक सेक्शंस बना के आप काम कर रहे हो, एक ही सीम में दो सेक्शंस में काम कर रहे हो, तब आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। या फिर ऐसी सीम्स जो दो ठो सीम है और दोनों सीम के बीच की पार्टिंग कितनी होने पर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है 15 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर और 20 मीटर। तो बेसिकली कंटिजुअस सीम्स ही हैं, तो 9 मीटर हमारा जो है तो आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि ये पूछता है व्हाट मस्ट बी द विड्थ ऑफ बेंचेस इन कोल एंड ओवरबर्डन ऑफ रॉक फॉर्मेशन। विड्थ कितनी होनी चाहिए बेंचेस की, ठीक है, अगर कोयले की है विड्थ या फिर ओवरबर्डन की विड्थ बनाई जा रही है, सॉरी वो बेंच बनाया जा रहा है, तो विड्थ कितनी होनी चाहिए बेंचेस की। हाइट तो आपको पता ही होगा कितनी होनी चाहिए, विड्थ आपको बताना है कितनी होनी चाहिए। कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी मैं आज आपको लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जो विड्थ होनी चाहिए नॉट लेस देन विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच +2 मीटर, नॉट लेस देन 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर अगर डंपर्स चल रहे हैं, नॉट लेस देन द हाइट ऑफ द बेंच विच एवर इज मोर। ठीक है, इसका आंसर आपको कहां पे दिया हुआ है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको किसमें दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 106 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए बताना मेरे को ठीक लग रहा है। तो अब आपका क्या हो जाएगा कि भैया, या तो जो सबसे बड़ी मशीन है, जो सबसे चौड़ी मशीन है आपके माइंड्स में, उस मशीन का जो भी विड्थ है ठीक है +2 मीटर और, ठीक है, मतलब इस मशीन की विड्थ इतनी है प्लस आप क्या कर दो, तो फिर आपका बेंच का विड्थ आप कितना रख लो, 2 मीटर और बढ़ा दो, है ना, 2 मीटर और बढ़ा दो, तो ये आपका बेंच का टोटल क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, डंपर्स का 3 टाइम, तो मान लो डंपर्स की विड्थ इतनी है तो इसका 3 गुना कर लो, तो ये टोटल विड्थ हो जाएगी। ठीक है, जो भी विड्थ रहे आपके बेंच की विड्थ हो जाएगी। या फिर आप क्या कर लो, बेंच की हाइट जो भी है बेंच की हाइट से ज्यादा तो होनी चाहिए, अब इनमें से जो भी ज्यादा हो वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से जो भी ज्यादा होता है अपन वही आपका अपन क्या कर सकते हैं, बेंच की विड्थ रख सकते हैं। चलिए अब मेरे क्वेश्चंस का टाइम आ गया है तो इसको थोड़ा साफ कर दूं, उसके बाद पूछता हूं तो अच्छा लगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यार आप ये बता दीजिए कि अगर ओवरबर्डन की बेंचेस हम बना रहे हैं तो ओवरबर्डन की बेंचेस की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओवरबर्डन की बेंचेस की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक, या फिर चलो ठीक है, बस इतना ही बताओ कि ओवरबर्डन की बेंचेस की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम बेंच की हाइट कितनी हो सकती है, इससे ज्यादा बेंच की हाइट नहीं होनी चाहिए। ओपन कास्ट माइंस में बेंच की हाइट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। अगला चीज है कि अगर आपके ओपन कास्ट माइंस में ट्रीज हैं, डेब्रिस हैं, मतलब कुछ भी है, तो उस केस में आपका जो बेंच की एज है ना, जो बेंच का एज है, ये एज की दूरी किसी पेड़ पौधे से आखिर कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रख लो। ठीक है, तो एक ही जगह से एक ही रेगुलेशन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक और क्वेश्चन है, रिक्लमेशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय रिक्लमेशन, रिक्लमेशन क्या होता है। और दो माइंस हैं, दो एडजेसेंट माइंस हैं, अगल बगल दो माइंस हैं, अंडरग्राउंड माइंस हैं, और इन दोनों अंडरग्राउंड माइंस के बीच में आखिर जो हम बैरियर पिलर छोड़ेंगे वो बैरियर पिलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, है ना, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हूं विड्थ कितनी होनी चाहिए बैरियर पिलर की। ठीक, तो आप क्वेश्चन टाइप करेंगे जब भी, जिसको भी आंसर देना हो तो भाई क्वेश्चन टाइप करिए और उसको आप
उसके साथ ही उसके नीचे आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्किंग चल रही है, एक तो ये हो गया कि इनके बीच में हम कितना रखेंगे, गैप कितना रखेंगे, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बैरियर पिलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि वर्किंग अगर चल रही है आपकी इस माइंस में, मान लो वर्किंग चल रही है, तो इस बैरियर पिलर में भी अगर कटिंग कर रहा है तो मैक्सिमम कितना कट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कट कर सकते हैं, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप बता सकते हैं। एक और चीज चलिए आप बता सकते हैं कि अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम कितने पिलर्स को एक बार में गैलरीज के या फिर पिलर्स का रिडक्शन कर सकते हैं, स्प्लिटिंग या फिर रिडक्शन ऑफ पिलर्स अगर करना चाह रहे हैं डिप्लरिंग के टाइम पे, तो मैक्सिमम कितने पिलर्स हम एक बार में क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.